हाँ तो बच्चों, एवेंजर सीरीज के इस वीडियो में जो हमारा पर्पस है वो है कैपेसिटर में स्विच वगैरह या कैपेसिटर की सर्किट में जब हम स्विच वगैरह क्लोज कर देते हैं तो हीट जनरेटेड कैसे आती है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक गिवन सर्किट है, दोनों सेम है, हमने अपने मतलब सॉल्यूशन के लिहाज से इनको एक साथ पेस्ट कर दिया। तो इस सर्किट में जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो कितनी हीट बाहर निकलेगी। ठीक है, आपको वीडियो को पॉज करना है, एक फेयर अटेम्प्ट दो 5 मिनट 7 मिनट का, उसके बाद फिर से आप इस वीडियो को देखो। ठीक है, चलो। तो क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक ऐसी सर्किट थी, ये शुरुआत की सर्किट है इनिशियली, फाइनली जब आप इस स्विच को क्लोज कर दोगे तो इस सर्किट में कितनी हीट बाहर निकलेगी। ड्यूरिंग दिस टू दिस, यहां से यहां पहुंचाया, कितनी हीट बाहर। तो हीट जनरेटेड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, बड़ा सरल सा एक तरीका होता है कि आपके सिस्टम के पास यू इनिशियल थी, आपने कुछ वर्क किया, आप कर नहीं सकते हो, इस पूरी प्रोसेस में बैटरी वर्क करेंगी, तो यू इनिशियल प्लस डब्ल्यू बैटरी इज इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस हीट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें इनिशियल चीज भी है और फाइनल डायग्राम भी है, तो आपको क्या देखना है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियली हमारे पास ये सिचुएशन थी, फाइनल ये सिचुएशन है, कैसे निकलेगा देखो जरा। इनिशियल सिचुएशन में सबसे पहले हम यू निकाल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ मिलता जुलता है, तो हमने इसको सी का नाम दे दिया, इसको 2C बोल दिया, ये ई कह दिया और इसको 2E कह देंगे, 5 है ये 10 वोल्ट है। ठीक है, हमें एक्चुअली जो है वो थोड़ा यूनिट वगैरह से बचने के लिए ये चीज समझनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी चीजें हो गई। ठीक, तो इसको भी E, 2E, 2C, C कह दिया गया। बेटा बोलो, इनिशियली क्या हो रहा होगा, इनिशियली अगर आप देखो बेटा तो ये 2 और 4 दोनों किसमें है, सीरीज में है। 2 और 4 अगर सीरीज में है तो बेटा U इनिशियल आपका बड़ी आसानी से आ जाएगा, कितना आ जाएगा U इनिशियल, यू इनिशियल आएगा आपका हाफ इन दोनों का C2C, यानी कि 2C/3 आ जाएगा, C2C/C+2C इंटू 2E का स्क्वायर। तो यहां से कितना आया बेटा, यहां से टू कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू यहां से आया 2C/3, यानी कि और ई स्क्वायर भी तो है इंटू ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आ गया 4C(e²/3), ये आ गया हमारा इनिशियल एनर्जी। ठीक है, अब फाइनली क्या होगा, जैसे ही आप इस स्विच को क्लोज करोगे बेटा, स्विच को क्लोज करते ही इस सिस्टम के पास, जैसे इधर पे हमने लिया 0। ठीक है, अब इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा समझना होगा और एनर्जी को भी समझना होगा, क्योंकि अब इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग तरीके से हो रहा है। ठीक, न सीरीज है न पैरेलल है, तो इधर 0 लिया, इस जगह का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा 10, और यहां का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा, ये 0 के बाद यहां आ जाएगा -5। -5 ना लिख के हमने ई लिख दिया है। ठीक है, इस जगह का हो गया -E, इधर का हो गया 2E। ठीक है, करेक्ट। तो अब एक बात बताओ बेटा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 3E। तो हमें लिखना था U फाइनल, दो कैपेसिटर है हमारे पास, इस कैपेसिटर पे कितना है बेटा, हाफ C, मतलब 2C इंटू ई, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा इन दोनों के बीच में, 3E। तो 3E का स्क्वायर कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये एक की वजह से आया, दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बेटा E, तो हाफ C इंटू ई स्क्वायर, ये इसकी टर्म है और ये इसकी टर्म है। U फाइनल जब आप देखोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, यहां से आ गया 9 और यहां से आ गया आधा 9.5।
ठीक है, यू फाइनल आ गया 9.5 मतलब 19/2 सी ई स्क्वायर, करेक्ट। इनिशियल ये था, फाइनल ये है, करेक्ट। तो दो टर्म हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, यू इनिशियल और यू फाइनल। बच रहा है कितना बैटरी ने वर्क किया। तो बैटरी का वर्क बड़ा सिंपल होता है बेटा, अगर बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो रही है तो इसका जो वर्क है वो हो जाता है क्यू इंटू ई का, नहीं हाँ क्यू इंटू ई का वर्क हो जाएगा। और अगर ये चार्जिंग मोड में है बेटा, यहां से आ रहा है तो ये चार्जिंग मोड कहा जाता है, और ऐसी स्थिति में बैटरी का वर्क नेगेटिव होता है, ठीक है। ये आपको थोड़ी सहूलियत के लिए हमने ये बात बता दी, फायदा उठाते हैं इस बात का, ठीक है। जगह कम है इसीलिए यहां से अरेंज कर दिया इसको, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चल इसको इधर कर दे रहे, ठीक। W बैटरी कैसे निकाला जाएगा, देखो बेटा थोड़ा सा धैर्य पूर्वक सुनो अगर बात को, तो इस कैपेसिटर पे पहले चार्ज कितना था, देखो यहां पे ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ठीक है। हमारा जो मेन पर्पस है वो बैटरी का वर्क निकालना है, ठीक है। तो बैटरी का वर्क निकालने का बड़ा सिंपल सा फंडा होता है बेटा, ठीक है, पहले इनिशियल देख लेते हैं फिर फाइनल देख लेते हैं, और जो भी चार्ज बैटरी की प्लेट से आया होगा वही, देखो तरीका क्या है, जैसे इस वाली प्लेट से देखो, बैटरी की एक प्लेट से जो भी प्लेट जुड़ी हुई है उस पर पहले कितना था, बाद में कितना है। पहले लेट से इस जगह पे क्यू वन था, ये एक प्लेट मिल गई, इस पे पहले क्यू वन था, बाद में यहां क्यू टू हो गया, तो क्यू टू माइनस क्यू वन कहां से आया होगा बेटा, इस बैटरी से होके गुजरा होगा कि नहीं। तो इस बैटरी से होके जो चार्ज गुजरा इनटू 2E कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2E इसका EMF है, वर्क डन बाय बैटरी मिल जाएगा। सिमिलरली अब आप इसकी बात करो बेटा, तो इससे कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई है, इस प्लेट से जो इस वाले जो बैटरी के टर्मिनल से दो प्लेट जुड़ी हुई है, ये प्लेट और ये प्लेट, ठीक है भाई। क्या तरीका है, तरीका तो यही है ना कि कैपेसिटर पे जंप करके तो जाना नहीं है। अगर हम इस बैटरी से देखना चाहते हैं तो यहां से देखें, एक तो ये आया और एक ये आया, इन दोनों पे जो चार्ज का सम है वो इसी बैटरी से होके आया होगा, क्योंकि पहले इन पे दोनों पे सम जीरो था, अब जो आया होगा वो इन्हीं से होके गुजरा है। या इधर वाली प्लेट को समझो, तो इस प्लेट से कौन सी, इस वाले टर्मिनल से बैटरी की ये वाली प्लेट जुड़ी हुई कैपेसिटर वाली, इस पे जो भी चार्ज आएगा वो इसी बैटरी से होके आएगा, बोलो, ठीक है। और इस वाले के साथ ये है कि इस वाले से ये और ये प्लेट जुड़ी हुई है, पहले इन दोनों पे चार्ज कितना था, जीरो, अब इन दोनों पे जो भी चार्ज आएगा वो इस बैटरी से होके आएगा, ठीक है। तो हमने इन पे चार्ज निकालने की सोची बेटा, फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, क्योंकि हमें निकालना है W बैटरी। तो W बैटरी के लिए ये 4 माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटर को हमने पकड़ा, ठीक है। 4 माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा इसको देखते हैं बेटा। देखो इस तरफ कितना होगा चार्ज, पहले कितना था बाद में बात कर लेते हैं, अभी कितना है देखो, 3E का पोटेंशियल डिफरेंस है और 2C का कैपेसिटेंस, तो इस पे जो आएगा वो आएगा 3E इंटू 2C, इस पे चार्ज होगा, ठीक। और इस पे पहले कितना था देखो जरा, इस पे कितना था, ये दोनों पहले सीरीज में थे, तो अगर आप चार्ज की बात करो तो 2C/3 का कैपेसिटेंस था, यानी कि 2C/3 इंटू 2E, पहले इतना था बाद में इतना हुआ, तो ये जो चार्ज होगा वो इधर से पहले था 4CE/3, अब कितना हो गया 6CE, तो जो चार्ज गया होगा वो बैटरी से होके ऐसे ही गया होगा कि नहीं। तो जो 2E वाली बैटरी है, वर्क डन बाई बैटरी कौन सी, 2E वाली, कितना होगा बेटा, कितना इससे चार्ज फ्लो किया इनटू इसका EMF, पॉजिटिव होगा बेटा, क्योंकि देखो इधर पहले था कम 4CE/3, अब कितना हो गया 6CE,
तो इधर से कितना आया बेटा जल्दी बताओ, डेल्टा क्यू। चार्ज कितना फ्लो किया यहां से, चार्ज फ्लो किया 6CE-6 बनाइए बेटा, -4CE/3 (2E) कितना आया बेटा जरा बताओ, इसको उस तरफ कर दो यार, गड़बड़ कर दिया पूरे वीडियो को। देखो इधर 18-4 (14)(2) 28 CE²/3 देखो 18-4 ठीक है 14 into 2 2E की बैटरी है ना बेटा, ठीक है तो 14 into 28 CE²/3 CE है बेटा। ये C लिखा था, (28CE²/3 ठीक है। अब बारी आ रही किस बैटरी की बेटा, अब बारी आ रही है इस बैटरी की। तो एक बात बताओ बेटा, ये आइसोलेटेड जंक्शन था बिफोर स्विचिंग, इन दोनों पे शुरुआत में चार्ज का सम कितना था, 0। अब जो भी चार्ज आएगा इस पे और इस पे, क्या वो इसी बैटरी से होके जाएगा ऐसा उल्टा उल्टा बताओ बेटा। तो अब इसको समझें, इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज आएगा बेटा, -6CE, क्योंकि इस वाले पे +6E है तो इस वाले पे -6CE होगा। और इस पे कितना आएगा बेटा, इस पे देखो नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, तो इस वाली प्लेट पे अगर आप देखो तो इस प्लेट पे जो चार्ज होगा बेटा इस प्लेट पे चार्ज कितना होगा, -C(E)। टोटल चार्ज कितना आ गया बेटा, यहां से है 6CE और यहां से है CE, तो यहां -7CE आया, यानी कि यहां से होके चार्ज इन दोनों प्लेट पे माइनस, देखो इस पे -6CE इस पे CE, तो इस वाली प्लेट के लिए देखें हम 5 वोल्ट वाली ई वोल्ट की बैटरी के लिए वर्क डन देखना है बेटा कैसे आएगा। देखो पहले एक टर्मिनल को पकड़ा, या तो आप यहां से पकड़ो और इसको समझ लो, या आप नेगेटिव को पकड़ो तो इसको और ये दोनों प्लेट जुड़ी होंगी इसके साथ में, बोलो। पहले इन दोनों पे चार्ज 0 था, अब इन दोनों पे चार्ज कितना है बेटा, इस पे है -CE का और इस पे है -6CE का, इसका मतलब यहां से होके चार्ज उठ के गया है इस तरफ। तो बैटरी से होके चार्ज कितना फ्लो किया, 6 और 1 7CE चार्ज फ्लो किया है बैटरी से ई से। तो W बैटरी जो कितना आया, डेल्टा क्यू इंटू ई, बैटरी का EMF, डेल्टा क्यू कितना है, इधर ले जाओ यार नहीं गड़बड़ कर देगा यहां, डेल्टा क्यू कितना है बेटा, डेल्टा क्यू है 7CE और ई कितना है, इतना हो गया। तो यहां से कितना आया 7CE², ये आपके पास आ गया W बैटरी E का, W बैटरी 2E का, U इनिशियल U फाइनल, पूछा जा रहा है कितनी हीट आएगी, देखा जाए बेटा U इनिशियल है हमारे पास 4, इस इक्वेशन में देखते हैं जरा, इस इक्वेशन से बात करी जब U इनिशियल की वैल्यू आई 4CE²/3 प्लस W बैटरी कितना है बेटा, टोटल कितना आ रहा है, एक इससे भी पॉजिटिव आया और इससे भी पॉजिटिव आया, दोनों से अगर पॉजिटिव आया तो कितना है 28 और 21, तो 41 आज नहीं कितना है, ये 28 है और यहां से कितना आ रहा है बेटा, चलो अलग अलग कर ले रहे बेटा ना, ठीक है। तो यहां ये U इनिशियल W बैटरी के लिए लिखा 28CE²/3 प्लस 7CE² इज इक्वल्स टू U फाइनल, U फाइनल है 19/2CE² प्लस हीट, करेक्ट।
तो यहां से देख लिया जाए, आसानी से निकाला जा सकता है। चलो देखते हैं, जब आप इन सबको जोड़ोगे तो यहां से कितना आएगा, 28 प्लस 4 32, 32 माइनस 21, 32 माइनस 21 11, ठीक है। तो यहां से आया 32 प्लस, अरे माइनस नहीं करना है, 32 यहां से आया और 32 के बाद 21, तो 32 21 क्या आए, 53, यहां से लिखा हमने 53। तो क्या हो रहा है, यहां से आया 53 बाई 3 CE स्क्वायर, ठीक है, ठीक, माइनस 19 बाई 2 CE स्क्वायर, इतनी हीट आएगी, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लो, वेरीफाई कर लो, करेक्ट है। Thank you.